हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। और आज हम बात करेंगे 12th नवंबर के करंट अफेयर्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। और ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट? नेशनल एजुकेशन डे किस डेट को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 11th नवंबर। 11th नवंबर को मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे। इम्पॉर्टेंट डेज में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका ध्यान रखें। आगे बात करते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ योर बेस्ट डे इज टुडे? योर बेस्ट डे इज टुडे किसने लिखी है, इसका ऑथर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुपम खेर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द ओनली इंडियन एंट्री एट टोक्यो फिल्म फेस्टिवल करखानी सांची वारी, दैट मीन्स एशेज ऑन द रोड ट्रिप, इज डायरेक्टेड बाय? हमारी टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में जो इकलौती एंट्री है खार खानजी सांची वारी, दैट मीन्स एशेज ऑन द रोड ट्रिप, किसने डायरेक्ट करी है? अवार्ड्स और फिल्म फेस्टिवल्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो उससे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मंगेश जोशी। मंगेश जोशी ने ये मूवी डायरेक्ट करी है जिसको टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में सेलेक्ट करा गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द मॉडल ऑफ एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन व्हिच सिटी? एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम का जो मॉडल है वो किस सिटी में इनॉग्रेट हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, दिल्ली में। अब इसकी बात कर लेते हैं, तो ये जो मॉडल है इसको DRDO, जिसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने इनॉग्रेट करा है और इसका हेडक्वार्टर्स है दिल्ली में। और इसको इनॉग्रेट किया गया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। ये ध्यान देने वाली बात है क्योंकि आपसे एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकते हैं कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, और उन्होंने इनॉग्रेट करा है एंटी सैटेलाइट मिशन सिस्टम का मॉडल। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 5th क्वेश्चन ऑफ द डे है, 210 मेगावाट लोरी स्टेज 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बिल्ड ऑन व्हिच रिवर? 210 मेगावाट का लोरी स्टेज 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस रिवर पर बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सतलुज रिवर। अब बात करते हैं आज के 6th क्वेश्चन की। Which Indian superhero has become the brand ambassador of Namami Gang Project? Namami Gang Project का brand ambassador किस Indian superhero को choose किया गया है? तो इसका answer हो जाएगा option number 3, चाचा चौधरी। Brand ambassador से related exam में questions आते हैं, तो ये आपके लिए एक important question माना जा सकता है। अब बात करते हैं आज के question number 7 की। Who has been conferred with Tata Literature Lifetime Achievement Award? Tata Literature Lifetime Achievement Award किसे मिला है? तो ये आपका अगेन अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका आंसर देखते हैं, आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रस्किन बॉन्ड। Which nation launched world's फर्स्ट 6G एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट? कौन सी नेशन ने वर्ल्ड की पहली 6G एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट लॉन्च करी थी? इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3, चाइना। चाइना ने लॉन्च करी है वर्ल्ड की, विश्व की पहली 6G एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। इंडिया वाटर सेंटर इनॉग्रेटेड वर्चुअली विद व्हिच कंट्री? जो इंडिया वाटर सेंटर है, इंडिया का वाटर सेंटर है,
उसे वर्चुअली COVID-19 की वजह से या वैसे भी वर्चुअली किस कंट्री के साथ इनॉग्रेट किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर इंडिया वाटर सेंटर को इनॉग्रेट करा है वर्चुअली। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। विच नेशंस प्रेसिडेंट रिलीज्ड स्पेशल एंथोलॉजी ऑन महात्मा गांधी? किस नेशन के प्रेसिडेंट ने स्पेशल एंथोलॉजी निकाली है महात्मा गांधी पे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नेपाल। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारी बाकी 3 कंट्रीज, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल, तीनों ही इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं। तो आपको इन कंट्रीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा आज का डेली करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स के सेशंस में। थैंक यू सो मच।